यूपी टेट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए आप सांसद संजय सिंह ने दिया नोटिस। बारह सांसदों के निलंबन पर आज राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मिलेंगी विपक्षी पार्टियां। सांसदों के निलंबन पर लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा। अधिरंजन बोले, डराने के लिए सरकार का नया तरीका। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थान बोर्ड को किया भंग, लंबे समय से हो रही थी मांग। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट, कोरोना योद्धाओं के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय यानी 4 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं। पीएम मोदी की इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य बनाया गया है। पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। पीएम यहां परेड मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव से पहले ये पहली चुनावी रैली है जिसकी तैयारियों में भाजपा जुटी हुई है। प्रधानमंत्री की रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने रैली को लेकर कहा है कि आगामी 4 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जनसभा देहरादून के परेड ग्राउंड में होगी। उनके देहरादून आगमन की खबर से कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। उत्तराखंड में पिछले करीब 2.5 महीने से ऐसा पहली बार हुआ जब एक दिन के अंदर कोरोना के 36 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे के बाद राज्य में उन अफसरों के कोरोना टेस्ट किए गए जो राष्ट्रपति के दौरे पर ड्यूटी में तैनात थे। इनमें से 7 पुलिस अफसरों के साथ 6 से ज्यादा अफसर पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की और एक बार नए सिरे से गाइडलाइंस जारी करते हुए ये साफ किया कि उत्तराखंड में किसी भी और राज्य से आने वालों का कोविड टेस्ट अनिवार्य होगा। उत्तराखंड में चारधाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों की लंबी समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थान बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर दी है। देवस्थान बोर्ड पर गठित उच्च स्तरीय समिति और मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर चिंता और उत्तराखंड में संक्रमण बढ़ने के बाद सरकार ने राज्य के सभी कोरोना योद्धाओं की कोरोना जांच करने का निर्णय किया गया है। वायरस के लक्षण वाले हर मरीज की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की जा रही है। इसके साथ ही एक बार फिर राज्य के बॉर्डर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बाजारों में रैंडम कोविड जांच का भी निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सीएम आवास में कोविड कंट्रोल को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने डीएम और एसएसपी को स्थिति पर नियंत्रण रखने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस तैनात करने के निर्देश भी दिए हैं। खबर उत्तराखंड से है जहां विकास नगर और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले नावघाट पुल का उद्घाटन विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। बता दें कि इस पुल की लंबाई 540 मीटर है और पुल की लागत लगभग 43 करोड़ बताई जा रही है। इस पुल को राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग देहरादून की देखरेख में खारा कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है और पुल 2 साल में बनकर तैयार होना है। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि पुल के बन जाने के विकास नगर क्षेत्रवासियों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। करोड़ रुपए की लागत का पुल है और इसको पुल नहीं बल्कि विकास नगर क्षेत्र के डेवलपमेंट का एक नया रोजगार सृजन और बाजार के कारोबार के विकास के लिए एक नया भाग्य रेखा समझिया।
और इस पुल के महत्व को समझने के लिए विकास नगर और सामने जो सिरमौर का इलाका है उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। यहाँ रोटी बेटी का संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है और जैसा मैं हमेशा कहते आया हूँ, हिमाचल के इस भूभाग का परंपरागत व्यापारिक केंद्र विकास नगर रहा है, लेकिन आवागमन की कनेक्टिविटी की समस्या होने की वजह से मजबूरन विकास नगर के बाजार से उन्हें वंचित रहना पड़ रहा था, या ये कह लीजिए विकास नगर के हमारे व्यापार को अपने वहाँ के ग्राहक देवताओं से दूर होना पड़ रहा था। मैं समझ रहा हूँ कि इस पुल के निर्माण से विकास नगर क्षेत्र के कारोबार में, विकास नगर क्षेत्र के व्यापार में और विकास नगर क्षेत्र की तरक्की में, विकास नगर क्षेत्र के स्वरोजगार में दिन रात रात दुगुनी दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति होगी। मैं इस अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, विशेष रूप से अपने प्रबुद्ध वर्ग को, व्यापारी वर्ग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि जो सुस्ती हमें किन्हीं कारणों से बाजार में दिखाई देती थी वो तो बता दो कि अभी मैं मौजूद हूँ विकास नगर तहसील क्षेत्र के नावघाट पुल पे, जहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा विकास नगर और निकट हिमाचल वासियों को एक पुल के रूप में, एक सौगात के रूप में दी जा रही है। और इस पुल का उद्घाटन माननीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान, विकास नगर विधायक, कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये पुल लगभग जो है 43 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बनेगा, और इस पुल से जो है ये पुल इस क्षेत्रवासियों को एक वरदान साबित सिद्ध होगा। और विकास देहरादून की जो कार्यदायी संस्था है NH देहरादून इस पुल को बना रही है, और आज इस पुल का उद्घाटन भी माननीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा किया गया है। यहाँ के वासिंदे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस पुल के बनने से क्या क्या फायदे होंगे, क्या फायदे होंगे सर? ऐसा इस पुल के बनने से इतने फायदे हैं कि एक तो विकास नगर और हिमाचल प्रदेश, हमारे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का एक नया वरदान मिला है, और बाज़ार को नई प्रगति मिलेगी, बाज़ार में व्यापार में इतनी प्रगति होगी कि आने वाले समय में लगेगा कि लोगों को हाँ भाई इस पुल से कितना फ़ायदा हुआ है। जब लोग हिमाचल के लोग आते थे तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, वाया कुल्हाल से होने आते थे और यहाँ से लोग पैदल जा करते थे। अब देखना है कि इस पुल से इस क्षेत्रवासियों के प्रगति के द्वार, आर्थिकी के द्वार कैसे खुलते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड से प्राइम टीवी न्यूज चैनल है नवद्रोथान की ये रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पत्रकार उमेश कुमार के साथ मिलकर खानपुर में रोड शो किया। रोड शो के बाद पत्रकार उमेश कुमार और परिजनों के साथ पिरान कलियर दर्शन के लिए भी पहुंचे। उन्होंने दरगाह साबिर पार्क में चादर और फूल पेश करते हुए देश की खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। शमी ने बताया कि उन्हें दरगाह आकर बड़ा सुकून मिला और इससे पहले भी कई बार दर्शन के लिए वो दरगाह आए हैं। काला ढूंगी के रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज के कई ग्राम सभाओं में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। पिछले एक हफ्ते से लगातार लामाचौर, खास फतेहपुर आदि जगह पर हाथियों के झुंड आबादी वाले क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन आज जयपुर पाडली नंबर 2 के एक घर पर हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें हाथियों ने घर के मेन गेट को तोड़ने की कोशिश की, साथ ही खिड़कियों में लगे शीशे को भी नुकसान पहुंचाया। निश्चित रूप में हाथियों का आतंक चल रहा है, और पिछले एक हफ्ते से लामाचौड़ है, फतेहपुर है, गांधीआसम है, रतनपुर है, जयपुर पाडली गांव है, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जिसमें चकलुआ भी है, कालाढूंगी भी है, तो कम से कम अलग अलग झुंडों में हाथी घूम रहे हैं, जिसमें एक जगह तो 5 हाथियों का आतंक एक साथ जगह जगह किया जा रहा है, और वहीं करीब 30-35 हाथी एक साथ, जिसमें वो चौसला है और चकलुआ, कालाढूंगी, इस जगह पर देखे गए हैं, नुकसान फसलों को भारी किया गया है। वहीं 2 टस्कर हाथी जो मेन रोड में, खासकर जयपुर पाडली और लामाचौड़ मेन भाखड़ा पुल में लोग फोटो सेशन करवा रहे हैं उनके साथ, हाथियों के साथ, और हाथी खड़े हुए हैं। तो दोनों चीज़ें हैं कि हाथियों द्वारा घरों में भारी नुकसान किया गया है, जैसा कि आपने देखा भी है कि 3 घरों में उनके दरवाजे तोड़ दिए हैं, शीशे तोड़ दिए हैं, गौशाला की छतें तोड़ दी हाथियों द्वारा, तो घर तक मतलब वो लोग प्रवेश कर चुके हैं, अटैक मुद्रा में हैं। तो मैंने आज जो DFO महोदय हमारे जीवन जोशी जी हैं रामनगर डिवीज़न के, उनसे बात करी, उनको पूरी यथास्थिति से अवगत कराया है,
और ये भी अनुरोध किया है कि जो भी लोग का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तत्काल प्रभाव से। आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा और रोजगार गारंटी यात्रा के पिंडर घाटी पहुंचने पर यहां आप कार्यकर्ताओं ने पूर्व सैनिकों ने पिंडर घाटी में प्रवेश द्वारा नारायण बगड़ में भारी संख्या में एकत्र होकर जोरदार स्वागत किया। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने थराल विधानसभा के नारायण बगड़ और थराली में रोड शो कर 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपना दमखम दिखाया। रोड शो के बाद आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने थराली रामलीला मैदान में जनसभा को भी संबोधित किया। आप पार्टी का रोड शो नारायण बगड़ के प्रकार तिराहे और थराली के देवाल तिराहे से होते हुए रामलीला मैदान तक पहुंचा। आप पार्टी के रोड शो में थराली विधानसभा प्रभारी गुड्डू लाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वहीं कर्नल अजय कोठियाल ने रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया और आम आदमी पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव में एक मौका देने की अपील भी की। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड में सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे ही बदले हैं और गैरसैंण राजधानी मुद्दे पर चुप्पी साधी है। देखिए जिस तरीके से पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस प्रदेश को बर्बाद किया है, चाहे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सड़क परिवहन की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, जिस प्रकार से ये बुरा हाल इन्होंने इन 20 सालों में किया है, आज उत्तराखंड के सामने एक तीसरे विकल्प के तौर पे एक मजबूत आम आदमी पार्टी दिख रही है जिसका नेतृत्व कर्नल अजय कोठियाल के हाथों में है। जगह जगह जाकर के जनता से मिले और जनता को समझाए कि जब हम पावर में आएंगे तो किस प्रकार से हम जो मुद्दे बोल रहे हैं कि हम पूरे करेंगे उन्हें कैसे करेंगे। साथ में जनता से जब मिले तो उनसे पूछे कि आप बताओ आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हो, ताकि उसको हम अपने मैनिफेस्टो में डालें। और साथ में युवाओं की ताकत को समझे, महिलाओं की ताकत को समझे। जैसे अभी ना ये दीदी आई है, कितना मोटा हाथ देखो, मेरे को हाथ अभी पकड़ने में मेरे को गर्व हो रहा है, सॉलिड है बिल्कुल। ऐसे हाथों को पहचाने, ये अजय कोठियाल के मकसद है। यहाँ पे 20 साल हो गए उत्तराखंड अलग हुए, जैसे हमारी बहनें माताओं ने उत्तराखंड आंदोलन में अपने कई लोगों ने वहाँ पे जान भी निछावर की थी, तो जिस हिसाब से हमने यहाँ पे उत्तराखंड के लिए क्रांति लड़ी थी, उस हिसाब से हमको आज यहाँ पे वो सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। 20 सालों से बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके हमारा उत्तराखंड जो है वो पूरा लूट लिया है, और जिस हिसाब से हम महिलाएं यहाँ पे आज अपने आप को खुद को असुरक्षित समझती हैं, और जो हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं हमको आज यहाँ पे नहीं मिली है, इसीलिए हमने उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।